हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप अच्छे ही होंगे। आज के न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। अब मैं बना रही हूँ बच्चों का लंच और उसके बाद मिलते हैं। अंशुल और निशु की डायरी चेक कर दी है और अब इनके स्कूल जाने का टाइम भी हो गया है। बच्चे स्कूल के लिए चल दिए हैं और अब सरिता भी नहा धोकर तैयार हो गई है। आज है तीसरा नवरात्रा, तीसरी देवी का नाम है चंद्रघंटा। तो आज चंद्रघंटा देवी की पूजा अर्चना करनी है। अब ये दिया बाती करके धूप बत्ती करेगी और फिर चंद्रघंटा देवी की पूजा अर्चना और आरती करेगी। कर रही है अपनी धूप बत्ती। इसकी पूजा अर्चना खत्म हुई और अब देगी सूर्य को अर्घ। सूर्य को अर्घ देती हुई पूजा समाप्त हुई और अब ये अपनी पथवारी को सींचेगी और तीसरा नवरात्रा की पूजा अर्चना फिर समाप्त हो जाएगी। ये अपनी पथवारी को सींचते हुए, पथवारी में भी डेली पानी दिया जाता है, पूजा समाप्त करने के बाद अंशुल की दादी और सरिता पी रही हैं चाय। ये कोको आ गया बाहर से घूम करके और ये सोफे का इंतजार कर रहा है। ये यहाँ से उठेंगे तो इसके सोने का टाइम हो गया है। कहता है सरिता तोड़ रही है मौसमी। बच्चों के खाने पर उनके लिए जूस बनाएगी, वो पहले से ही तोड़ के रख लेती है। ये देख के पक करके तैयार हो गई है। खाना खाओ। अब मैंने बना लिया है खाना। आज मैंने बनाई गोभी की सूखी सब्जी और अब सरिता बच्चों के आने का टाइम हो गया है, उनके लिए बना रही है मौसमी का जूस। जूस निकालने की एक छोटी सी मशीन आती है, ये घर पर भी आराम से निकाल सकते हो, आप भी ट्राई कीजिए। बच्चे स्कूल से आ गए हैं। और बच्चों को भूख लगी हुई है इसलिए उनको आते ही कुछ खाना या फिर पीने के लिए कुछ चाहिए, इसलिए बच्चों को आते ही मिल गया जूस। जूस अच्छा और टेस्टी बना है, आप भी अपने घर पे ट्राई कीजिए।
आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।